सिटी में पुलिस ने शातिर चोरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अय्याशी के लिए बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज चौराहे का है, जहां एटीएम की हेराफेरी के दौरान लुटेरे गैंग के 5 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि ऐशोआराम के लिए इन छात्रों ने एटीएम चोरी का गैंग बना लिया। एटीएम में कार्ड से हेराफेरी कर इन्होंने 3 लाख कीमत की एक KTM बाइक और एक i20 कार कर खरीदी थी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके इनके पास से 10 ATM कार्ड, एक पिस्टल, 6 मोबाइल फोन, 5000 कैश, 3 लाख कीमत की एक KTM बाइक और i20 कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये सभी छात्र 18 से 22 वर्ष के बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस गैंग में कुल 15 लोगों की टीम है, जिनमें से 5 को अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे सदस्यों की लगातार तलाश की जा रही है। कोतवाली और हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से आज 5 लोगों की गिरफ्तारी थाना कोतवाली में की गई है और इस तरह से इन्होंने काफ़ी लोगों को ठगा है और उनके ATM को चेंज करके और ATM के माध्यम से पैसे निकाले हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके पास से 10 ATM कार्ड बरामद हुए हैं, एक पिस्टल भी इनके पास से एक लड़के के पास से बरामद हुआ है और 6 इनके पास से मोबाइल मिले हैं और एक इनके पास से KTM गाड़ी जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक इन्होंने इसी पैसे से एक i20 गाड़ी खरीदी थी जो कि अभी एक्सीडेंट हो गया है और वो गाड़ी लखनऊ में किसी गैरेज में खड़ी हुई है। जिस तरीके से ये सभी जो लड़के हैं इनकी उम्र करीब 18 से और 20-21 साल के बीच में है और ये अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना कोई प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है तो कोई किसी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले रखा है। ये लोग ऐसे ही अपना खर्चा चलाने के लिए और तमाम अपने SO/IAC के लिए ऐशोआराम के लिए इस तरह का काम करते थे और करीब 15 लोगों की इन्होंने टीम इसमें बना रखी थी, 5 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है।